सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम आलू मेथी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, और हमने ये मेथी ली हुई है, और मेथी बिल्कुल ताजी, और मेथी छोटी छोटी हमने मेथी ली है इस तरह की, और इनकी हम पत्तियाँ तोड़ लेंगे। सबसे पहले तोड़ने के लिए इसको हम अच्छे से धुल लेंगे, या काटने के बाद भी आप धुल सकते हैं। तो इसमें मिट्टी काफ़ी होती है जड़ों में इस तरह, तो इसको हम इसकी पत्ती पत्ती तोड़ लेंगे। और ये सोया है, तो सोया भी हम थोड़ा छोटा ही लेंगे, और इसकी हम सब्जी बनाएंगे सोया मेथी आलू की, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। और जब भी आप मेथी लें, बिल्कुल ताजी लें कुछ इस तरह की, तो सबसे पहले इसको हम काट लेंगे। और हम सोया मेथी को काट के जैसे हमने इसको धुल लिया है, वो आलू भी हमने पहाड़ी आलू लिए हुए, जो आजकल नए आलू आ रहे हैं सब्जियों में आते हैं, तो इसके लिए सब्जी बनाने के लिए हमने छोटे आलू लिए हुए, और इसको हमने एक एक आलू के दो दो टुकड़े इस तरह किए हुए हैं, और हल्का सा छिलका निकाल के ऊपर से, और इसको अच्छे से धुला है। और ये भी हमने जैसे आपको धुल के दिखाया है, और इसको कैसे काटा गया है, तो ये हमने आलू सोया मेथी आलू, और इसको हम कम मसाले में बना रहे हैं, तो हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च, यही दो मिर्च है हरी, तो इसको हमने काट लिया है करीब, जैसे आप तीखा खाना चाहते हैं, हमने करीब 5 से 6 मिर्च हमने काटी हुई हैं, और 15 कलियां लहसुन की हैं जिनको भी हमने काट लिया बारीक, जीरा है 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। और ये सब्जी हम सरसों के तेल में बनाएंगे, तो हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, और ये हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच लेंगे, क्योंकि आलू मेथी की सब्जी में सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, और इसको सरसों के तेल में थोड़ा ज़्यादा तेल में बनाएंगे, और ये अच्छे से भून भी जाती है, और खाने भी बहुत मज़ेदार होती है। तो आइए बनाते हैं। और हमने एक कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम तेल डालेंगे, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमने देखिए तेल लिया हुआ है, और ये सब्जी थोड़ी सी भुनने के बाद बहुत बढ़िया लगती है, तो इसलिए तेल इसमें ज़्यादा डाला है। और आपको हम हींग बताना भूल गए, इसमें हम 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे, और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डाल देंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे जिसको हमने बारीक काट लिया था, और संग में ही हरी मिर्च डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, और संग में हम थोड़ा सी हींग डाल देंगे। और हल्का से हमें गुलाबी होने तक इसको भूनना है हमें, और आंच को थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। और इस तरह की सब्जी पराठे के संग बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, और मैं तो जब भी मेथी की सब्जी बनाता हूँ या मेरी वाइफ बनाती है, तो मैं पराठे के संग इसको खाना पसंद करता हूँ। तड़का भी हो चुका है, अब इसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे, और जैसा कि बताया मैंने कि आलू को भी अच्छे से हम धुल लेंगे, और मेथी को मैंने धुल लिया है, और इसको हम करीब 2 से 3 मिनट इसको ऐसे में भूनेंगे। और इसमें छोटे आलू भी आ रहे हैं नए वाले, तो नए आलू में मेथी की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है, तो हम छोटे आलू लेते हैं, तो इसकी सब्जी हम इसी में बनाना पसंद करते हैं। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार, यानी हमने इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच हमने नमक डाला है,
और इसमें कटी हुई मेथी डाल देंगे और ये मेथी हमारी करीब आधा किलो है, सोया मेथी और दोनों मिला के, क्योंकि इसमें मेथी ज़्यादा होगी और सोया थोड़ा कम होता है, तो हमने इसमें तीन गुच्छी मेथी की और एक गुच्छी सोया की और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी थोड़ी देर बाद ये अपने आप कम हो जाएगा, इसको अच्छे से चला देंगे। देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हम ढक के पकाएंगे। पहले हम 5 मिनट करीब इसको ढक के पकाएंगे, उसके बाद इसको हम खुला पकाएंगे। और जैसा कि 5 मिनट हो चुके हैं और इसको एक बार हम खोल के चेक कर लेंगे और देखिए काफ़ी अच्छे से ये सब्जी बैठ गई है, इसके पत्ते मेथी के। अब इसको एक बार हम चेक कर लेंगे और इसको थोड़ा हमने तेज आंच पे ही रखा हुआ था, अब थोड़ा हम मीडियम कर देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी कम हुआ है, क्योंकि हरी सब्जियों में पत्तों में पानी भी होता है, तो इसको हमने कम कर दिया है। और इसको एक बार अच्छे से हम चला देंगे और इसको एक बार ढक देंगे और देखिए कुछ देर होने के बाद हमने इसको फिर से खोल के ढक्कन इसको हम चला लेंगे और आलू भी हमारे थोड़े से पकने चालू हो गए। देखिए तो अब हम खुला ही पकाएंगे और आज को थोड़ा धीमा रखेंगे क्योंकि इसमें सब्जी को हमें अच्छे से भूनना भी है और इसका जो हल्का सा पानी है वो भी इसका उड़ जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप तक आसानी से पहुँचें। और प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और देखिए सब्जी को भी हम अच्छे से इतना भून देंगे और इसको बीच बीच में थोड़ी देर पर इसको हम चलाते जाएंगे। और देखिए सब्जी को भूनते हुए मैं करीब 10 मिनट हो गए हैं और इसको हमने धीमी आंच पे अच्छे से इसको भुना है और बहुत बढ़िया सब्जी बनके तैयार है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और देखिए अच्छे से हमारे आलू भी अच्छे से सिक गए हैं और ये सब्जी हमारी बनके तैयार है और इसको हम सर्व करेंगे। और सब्जी को हम निकाल लेंगे और इसको गर्मा गर्म हम पराठे या पूरी के संग इसको हम सर्व करेंगे। और नीचे बनकर तैयार है आलू सोया मेथी की सूखी सब्जी और ये बहुत ही बढ़िया बनी हुई है और ये खाने में भी बहुत बढ़िया है। तो आप हमारे दिए तरीके इसको बनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।